हेलो बच्चों, लेट्स सी द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बैरियर रीफ सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हमारा बैरियर रीफ के बारे में ये रीफ जो है ये कोरल रीफ होता है कोरल्स बेसिकली बिलोंग करते हैं टू क्लास टू फाइलम सीलेंट राटा में दो तरीके का ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी दो फॉर्म्स का एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा तो so, ये पॉलिमोफिज्म शो करता है सो so, कोरल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होते हैं हमारा पॉलिप स्टेज या फेज ऑफ सील सो पॉलिप में क्या होता है ये ऑर्गेनिज्म का फेस सेसाइल होता है यानी ये इमो मोटाइल होता है अटैच टू सबस्ट्रैटम दिखता है सो so, इसका बॉडी जो है वो ट्यूबुलर दिखता है ट्यूबुलर बॉडी और इसमें अगर रिप्रोडक्शन देखा जाए ये सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से मल्टीप्लाई होने वाला स्ट्रक्चर्स है रिप्रोडक्शन सो so, इसका मेन फीचर है इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है पॉलिप स्टेज में ये मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो इसके वजह से हमारा कोरल रीफ जो है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर पाता है तो कोरल्स में तीन तरीके का कोरल रीफ्स होते हैं एक तरीके का होता है बैरियर रीफ सो so इसका मेन एग्जाम्पल है हमारा ऑस्ट्रेलिया में जो होता है ग्रेट बैरियर रीफ वो है सो so ये रीफ्स में से लार्जेस्ट हाईएस्ट और वाइडेस्ट टाइप ऑफ रीफ होता है एंड वाइडेस्ट रीफ अमोंग ऑल द थ्री टाइप्स होता है तो so इसको हम कहा पे पाए जाते हैं ये डेवलप होते हैं, डेवलप्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द कोस्ट एंड पैरल टू एंड पैरेलली ये डेवलप होते हैं पैरल टू अ शोर सो ये ब्रोकन लैंड की तरह या इरेग्युलर रिंग की तरह दिखते हैं ब्रोकन एंड इरेग्युलर रिंग की तरह दूर से दिखाई देता है रेगुलर रिंग सो ये लॉन्गेस्ट है ये yeah, रन कर सकता है अप टू हंड्रेड ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द शोर वाइड और लॉन्ग भी तो मेन एग्जाम्पल एज हमने बोला था एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो रन करता है थाउजेंड टू हंड्रेड माइल्स तक तो so, ये yeah, था बैरियर रीफ के बारे में Hope you have understood the concept. Thank you and all the best.